एक कहानी है जिसका नाम है, अच्छा एक शख्स है जिनका नाम था मिर्ज़ा लड्डू बेग। तो मिर्ज़ा लड्डू बेग, तो मिर्ज़ा लड्डू बेग के बारे में कहते हैं कि ये इनका बड़ा लाड़ का नाम था, उनका नाम तो किसी को नहीं मालूम। तो ये कहते हैं कि लड्डुओं से बड़ी चिड़ थी उन्हें, बहुत ज़्यादा चिड़ थी उन्हें लड्डुओं से, बेपनाह चिड़ थी उन्हें लड्डुओं से। पर जब लड्डू खाने बैठते थे तो एक एक छोटे से लड्डू खा जाते थे। एक बार जो है एक शहजादे ने उन्हें अपने दीवान खाने में बुलाया, और बुलाते ही जो है खादिम को बस इशारा किया, अपनी आँखों का इशारा पाकर खादिम दो से लड्डू उनके सामने ले आया। अब बेचारे मिर्ज़ा बेग कहीं करें तो करें क्या, उन्होंने लड्डू देखा और बेपनाह चढ़ गए। उन्होंने बहुत भला बुरा जो है उन्होंने शहजादे को कहा, भला बुरा कहते भी रहे और लड्डू खाते भी रहे। थोड़ी देर बाद जो है वो लड्डू ख़त्म हो गए। अच्छा देखने में भी जो मिर्ज़ा लड्डू बेग थे वो बिल्कुल लड्डू जैसे थे, मतलब अगर किसी घोड़े पर बैठ जाए तो घोड़ा जो है वो पनाह मांगता था। मतलब बड़े गोल से मूछें भी ऐसी गिरी हुई कि मतलब उठाने की कोशिश भी करते थे तो मूछें गिर जाती, और जो है गोल गोल पगड़ी पहन के और जो है सफ़ेद सफ़ेद इमामा पहन के जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि लट्टू घूमता हुआ चला आ रहा है। अब दिल्ली के शहजादों से और दिल्ली के लौंडों से परेशान हो गए। अब दिल्ली के जो लड़के होते थे बड़े खुराफाती होते थे, किसी को भी छेड़ देना, किसी को भी गाली दे देना। अब मिर्ज़ा लड्डू बेग जो थे उन्होंने कहा कि अगर इनसे जो है निजात पानी है तो दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। बेचारे जो है राजस्थान में किसी रजवाड़े में पहुँचे, वहाँ जाके तो एक किसी राजा के यहाँ पर जाकर जो है वो चाकर हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो उनके लड्डुओं की जो कहानी थी उनका उनका पीछा उसने नहीं छोड़ा, वो भी वहाँ पहुँच गई। तो पहले दिन दरबार लगाया गया, तो महाबली ने जो है कहा कि भैया लाइए। तो बेग साहब के सामने जो है मिस्टर बेग के सामने लड्डू रख दिए। मिर्ज़ा लड्डू बेग ने लड्डू देखे और फौरन जो है तलवार निकाल कर जो है वो राजा के ऊपर चढ़ गए। वो तो कुछ दरबारियों उन्होंने पकड़ लिया, वरना जो है वो राजा साहब का जो है सर कलम कर देते। और फौरन जो है दरबारियों ने कहा कि राजा साहब कहो तो इसको फौरन जो है हलाक कर दो। तो राजा साहब ने कहा कि जिस शख्स को अपनी इतनी इज्जत प्यारी हो वो मेरी इज्जत के लिए क्या करेगा। तो आज से जो है ये परमानेंट है और ये यही रहेगा। तो इस तरीके से जो है वो शख्सियतें जो है वो हुआ करती थी।